इस टाइम बच्चों पे सबसे ज़्यादा प्रेशर किस बात का? इस टाइम क्लास 10th एंड 12th के बच्चों पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है बोर्ड एग्जाम्स का। और मुझे पता है सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में महीनों से लगे हुए हैं। आज की डेट में जब सिलेबस कंप्लीट है वो चैप्टर 7, 8 रैंडम किसी भी चैप्टर की तक पहुंच गए होंगे अपनी खुद की प्रिपरेशन में। पर आप बच्चे क्या ऐसा महसूस करते हो कि जब आप 50-60 पेजेस पढ़ने के बाद पहले के पुराने पेजेस उठाते हो, चाहे वो अपने नोटबुक के या अपनी एनसीईआरटी या किसी भी किताब की, तो आपको लगता है कि जो भी आपने पढ़ा था अब आपको भूलना है, वो आपको याद नहीं है, तो फिर आप बहुत और ज़्यादा एग्जाम फोबिया के शिकार हो जाते हो। बट एक्चुअल में आपका माइंड उसको रिकॉल नहीं कर पाता। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मैंने अपनी स्टडी के दौरान किया था। आप कभी भी जब भी कोई चैप्टर, कोई स्टडी, कोई नोट्स पढ़ते हो जो आपके टीचर और आपके बुक के लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप उस एक पेंसिल के साथ स्टडी करो, आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करो और उसको सर्कल बनाओ और वहाँ पर रिमार्क जरूर लिखो। और ये रिमार्क आपके अपने लैंग्वेज में होना चाहिए। डजंट मैटर यू आर राइटिंग इन इंग्लिश और हिंदी, यू शुड राइट कि मैंने ये इसमें पढ़ा था, ये इसमें ऐसा ऐसा सा बताया गया। जब आप दोबारा कभी भी एग्ज़ाम के एकदम नियरेस्ट टाइम में, जब 2-3 डेज एग्ज़ाम का होगा, आप रिवीजन कर रहे होंगे, जब वो पेज ओपन होगा, हर वो पेज पे आपका अपना रिमार्क होगा, आपका माइंड रिकॉल करने में आपको मदद करेगा। आप आसानी से याद कर पाओगे, अच्छा मैंने इसमें ये बताया गया था। आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप फोबिया के शिकार नहीं होगे और आप आसानी से रिवाइज कर पाओगे। सो ट्राई दिस ट्रिक। थैंक यू।